हेलो दोस्तों, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि आप हिंदी यूपी पीएससी एई के लिए कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर कहाँ से पढ़ें, कहाँ से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद शायद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी पीएससी एई में हिंदी का सिलेबस क्या है। ठीक है, हिंदी तो बहुत बड़ा है। हिंदी अगर आप टेट के लिए पढ़ने जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ना है, और भी जो जनरल एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके लिए हिंदी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा पढ़ना है। बट आप जब यूपीपीएससी एई के पढ़ेंगे तो इसका सिलेबस लिमिटेड है। ठीक है, तो जिनको सिलेबस नहीं पता है इसका, वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ सिलेबस के लिए। उसका टाइटल है हिंदी में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो वो आप इस यूट्यूब चैनल पर विभव द पोटेंशियल ऑफ सक्सेस करके जो यूट्यूब चैनल है, इस पर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लिमिटेड पढ़ना है हिंदी। ठीक है, वो हिंदी का एग्ज़ाम, ये मेन एग्ज़ाम हिंदी का नहीं है। बट ये लोग हिंदी क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि यूपी एक हिंदी स्टेट है तो बेसिक हिंदी की नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो आपको सिलेबस कहाँ से पता करना है, आप या तो यूपीपीएससी एई की वेबसाइट पर पढ़ा होगा, जो पॉलिटेक्निक के लिए इन लोगों ने सिलेबस, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए जो सिलेबस डिस्क्लोज किया था, सेम सिलेबस ऑलमोस्ट इसका भी रहेगा, क्योंकि वही पैटर्न है। ठीक है, तो वही रहने वाला है। तो वो वाला लेक्चर मैंने बनाया था, वो आप देख लीजिए। अब रही बात की कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो ये जो सोर्सेस क्या हैं, पढ़ें कहाँ से। ठीक है, तो जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए सोर्सेस अलग हैं, और जो बुक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सोर्सेस अलग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी पोर्शन आप कहाँ से पढ़ें। ठीक है, थ्योरी पोर्शन मतलब जो ग्रामर का थ्योरी पोर्शन है। थ्योरी पोर्शन के लिए अगर जो बुक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, वो सिंपल से एक बुक ले लें, सामान्य हिंदी बाई लूसेंट पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, इससे पढ़ लें, लेकिन इसके सारी चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ना है। सिलेबस कहाँ से देखेंगे आप, वो लेक्चर ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है, उससे आप देख लीजिए। ठीक है, तो आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एक दो चार बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में पीएचडी नहीं करना है आपको। ठीक है, सिंपल सा हिंदी की, हिंदी को आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो कोई भी एक बुक, लूसेंट नहीं, कोई भी एक बुक अगर आपको हिंदी की मिल जाए तो उससे आप वो चीज़ें पढ़ लीजिए जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, आप आते हैं जिनको बुक से नहीं पढ़ना, ऑनलाइन जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन प्रिपेयर करने के लिए मैंने ही अपने यूट्यूब चैनल विभव द पोटेंशियल ऑफ सक्सेस सारे लेक्चर्स बना के डाल दिए हैं, जितना आपके सिलेबस में है। जैसे लेक्चर की एक मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, उस प्लेलिस्ट में जिस सीक्वेंस में लेक्चर है उसी सीक्वेंस में आप पढ़ लीजिए, आपको सुविधा होगी। उसी को देख के बनाई गई है प्लेलिस्ट। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, विभव द पोटेंशियल ऑफ सक्सेस। ठीक, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पढ़ाया गया उसके पीडीएफ नोट भी दिए गए हैं। ठीक है, तो वो पीडीएफ नोट आपको कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको ये YouTube चैनल पर। ठीक है, वो मिलेंगे आपको YouTube चैनल के लिंक में भी मिल जाएंगे, और आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का क्या लिंक है, t.me/vibhavhindi। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, एक कंबाइंड पीडीएफ बनाया गया है। ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर, और ऑनलाइन यहाँ से पढ़ लीजिए। तो ये हो गया, या बुक से पढ़ना है तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि पढ़ तो लिया आपने थ्योरी, प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बुक्स अवेलेबल होना चाहिए। दो बुक हैं, कोई एक प्रेफर कर लीजिए। ठीक है, लेकिन बस इनमें ये सतर्क रहिएगा कि इनमें आंसर कईयों के गलत दिए हुए हैं। जब आप थ्योरी पढ़ लें तो आंसर आपको लगे कि ये सही नहीं है, तो थोड़ा उसको क्रॉस चेक कर लें कहीं और से। ठीक है, या मेरे पास भेज दें। ठीक,
पहली बुक है आपकी सहायक अभियंता सामान्य अध्ययन एवं सामान्य नीति, जनरल जो जीएस है आपकी वो भी है इस बुक में और हिंदी भी है। ठीक है, बेसिकली ये बुक क्या है, जितने भी पीएससी हैं जो भी एई के एग्जाम लेते हैं उन सारे के क्वेश्चंस इसमें हैं। ठीक है, जीएस के और साथ ही साथ हिंदी के। तो और ये किसके द्वारा पब्लिश है, यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन है उसके द्वारा पब्लिश है। बस इसका ड्रॉबैक एक ही यही है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं, तो आपको अगर डाउट लगता है तो उस आंसर को वेरीफाई जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामान हिंदी बाई आदित्य पब्लिकेशन। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ सामान हिंदी बाई आदित्य पब्लिकेशन, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, कुछ आंसर सारे नहीं, कुछ आंसर गलत हैं। ठीक है, कुछ आंसर इसके गलत हैं। जब भी आपको डाउट हो कि आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए बट इसका दूसरा है, तो उस आंसर को क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, मगअप नहीं करना है इनके। ठीक है, तो ये दो बुक हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो मोर देन सफिशियंट है यूपीपीएससी एई हिंदी के लिए। ठीक है, मोर देन सफिशियंट है यूपीपीएससी एई हिंदी के लिए। क्लियर, तो ये दोनों बुक की मैं आपको पीडीएफ फोटो दिखा देता हूँ। ठीक है, वो देख के आप परचेज कर लीजिएगा। तो ये है आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की, ठीक है, ये आपकी यूथ कंपटीशन टाइम की सहायक अभियंता, ठीक है, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, या फिर आदित्य पब्लिकेशन की आपकी सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ। बस इसमें दोनों में एक ही ड्रॉबैक है कि इसके कुछ आंसर्स गलत दिए हुए हैं, तो उनको आप क्रॉस चेक कर लें और बाकी सब सही है। तो आप थ्योरी पढ़ लें आइदर बुक से आइदर इस यूट्यूब चैनल से। ठीक है, यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे भी चल रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, t.me/विभव हिंदी, विभव हिंदी। क्लियर, तो आई होप कि ये लेक्चर के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।